हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी, वर्ल्ड वाइड की सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स एंड गेम के बारे में। आज मेरे पास जो अपडेट आया है वो काफी ज्यादा आपको डिसअपॉइंट करेगा और मुझे तो पर्सनली करा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जिसने भी ऑस्कर अवार्ड नहीं देखा 2020 का, जो कि कल के दिन हुआ है, तो उनको ये अपडेट शायद मे भी नहीं पता होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एवेंजर्स एंड गेम के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड की सबसे बड़ी मूवी थी, जिसकी प्रेडिक्शन लोग कर करके हार्ट बीट तेज कर लेते थे। कुछ लोगों ने तो इसका लाइव काउंटडाउन स्टार्ट करा कि ये मूवी कितना कलेक्शन कर रही है पर डे पर सेकंड, आपने देखा भी होगा। और देन उसी के साथ मैंने भी इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, और कुछ लोगों ने तो इतनी सारी वीडियोस बनाई इसके कलेक्शन के ऊपर कि डे वन, डे टू, डे थ्री, डे 34, डे 35, और जब ये अवतार को बीट करी तो लोग खुशी के मारे पागल हो गए। इतने ज्यादा ट्वीट करे गए इसके लिए, एवेंजर्स एंड गेम के लिए, कि मुझे तो लगता था कि ऑस्कर अवार्ड तो एवेंजर्स एंड गेम को ही मिलेगा। जी हाँ, बेस्ट एक्टर से रिलेटेड मिल सकता था या एवरीथिंग, काफी सारी चीजें होती हैं ऑस्कर अवार्ड में। पर डिसअपॉइंटेड ये हुआ कि कल पूरा ऑस्कर अवार्ड देखने के बाद एवेंजर्स एंड गेम को एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। बेस्ट डायरेक्टिंग कुछ नहीं मिला, विजुअल इफेक्ट कुछ नहीं मिला, साउंड एडिटिंग कुछ नहीं मिला, बेस्ट एक्टर कुछ नहीं मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस कुछ भी नहीं, स्क्रीन प्ले तक का इसको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। और 1917 ने इसको बीट करा, जी हाँ, और एवेंजर एंड गेम सेकेंड नंबर पे थी और फर्स्ट नंबर पे 1917 थी जिसको बीट करा गया। और आपको बता दूं कि 1917 में जिन VFX आर्टिस्ट ने काम करा था वो एक इंडियन थे, जी हाँ, पूरी टीम मेंबर सारे इंडियंस थे, उन्होंने इस मूवी पे काम करा और वो जीती। बस मुझे थोड़ा इस बात की खुशी है कि हाँ, इंडियंस ने ये मूवी बनाई विजुअल इफेक्ट में और वो जीती, पर एवेंजर्स एंड गेम को एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यह सबकी फेवरेट, फैन फेवरेट, वर्ल्ड वाइड की सबसे बड़ी मूवी जिसने रिकॉर्ड बना दिया और उसे एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, ऑस्कर अवार्ड में उसका नाम तक नहीं था। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे तो। गाइस, आपके हिसाब से एवेंजर्स एंड गेम को किसका अवार्ड मिलना चाहिए था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर थैना उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।